डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमएस ऑफिस तथा लिब्रे ऑफिस के बारे में जानकारी लेंगे कि दोनों ऑफिस पैकेज कैसे कार्य करते हैं, किन सॉफ्टवेयर पर चलते हैं और इनको हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा तैयार किया गया यह पैकेज है। यह जब हम परचेज करते हैं तब हमको प्राप्त होता है। इसके कई पार्ट हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, आउटलुक और बहुत से फीचर इसमें हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे एमएस ऑफिस का, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx, जो पहले के वर्जन है 2007 के पहले के वर्जन, उनका एक्सटेंशन नेम कुछ और था, लेकिन अब जो नए वर्जन है उनका एक्सटेंशन नेम .docx है। एक्सेल का .xlsx, पावर पॉइंट का .pptx, एमएस ऑफ एक्सेस का, एमएस एसएस का होगा .accdb। एमएस ऑफिस एक परचेज करने के लिए पैकेज बनाया गया है। यह ऑनलाइन परचेज किया जाता है। यह केवल अपने ही विंडो पर ही अच्छी तरीके से चलता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर पर ही अच्छी तरीके से चलता है। उसी प्रकार लिब्रे ऑफिस भी एक ऑफिस पैकेज है, लेकिन यह क्या है, ये ऑनलाइन फ्री है। लिब्रे ऑफिस ऑनलाइन फ्री होता है, ये कभी भी आप डाउनलोड करके उस पर कार्य कर सकते हैं। या इसमें राइटर, इसका एक्सटेंशन नेम है .odt, ओपन डाटा टेक्स्ट, कॉल .ods, एम्प्रेस .odp, बेस .odb, यानी ऑपरेशनल डेटाबेस का प्रयोग करते हैं। इसमें एक और वह चीज़ है जिसमें ड्रॉ में क्या करते हैं, ग्राफिक्स को ड्रॉ करते हैं, जिसका एक्सटेंशन नेम है .odg। इसमें मैथ के फार्मूले को एडिटिंग करने के लिए मैथ फार्मूला नाम का एक प्रोग्राम है, जिसके द्वारा हम लोग मैथ के फार्मूले को एडिटिंग कर सकते हैं। यदि हम दोनों की तुलना करें तो एमएस वर्ड की जगह पर इसमें क्या है, राइटर है, एक्सेल की जगह पर कॉल है, पावर पॉइंट की जगह पर एम्प्रेस, एमएसएसएस की जगह पर बेस, यानी दोनों का कार्य सेम है, लेकिन अंतर क्या है, इसको परचेज करना है या ऑनलाइन फ्री है। या टैब आधारित सॉफ्टवेयर है, टैब आधारित प्रोग्राम है या मेनू आधारित प्रोग्राम है, इसीलिए हम लोग इसको मेनू के लिए मेनू ओपन करते हैं और इसमें क्या करते हैं, टैब और मेनू दो अलग अलग चीज़ें हैं। एमएस ऑफिस भी 2003 यानी 2007 के पहले का जो वर्जन है वह मेनू आधारित था, जिस प्रकार से यह मेनू आधारित है। बाद में एमएस ऑफिस ने अपने को अपडेट किया और 2007 के बाद जो भी वर्जन आ रहा है वह टैब आधारित, यानी रिबन पर जो टूल्स को क्या कर दिया गया, रख दिया गया है, अलग अलग टैब बनाकर अलग अलग रिबन पर टूल्स को रख दिया गया है। तो नीलिट के जो भी प्रोग्राम जैसे CCC है, ओ लेवल है, ए लेवल में सबसे पहले यहाँ पर एमएस ऑफिस का यूज किया जाता था, यानी उसके सिलेबस में एमएस ऑफिस था, अब ये उसके सिलेबस में आ गया है। ये अगर हम CCC की बात करें तो उसके सिलेबस में इतना ही है, और एमएसएसएस वगैरह ये सब चीज़ इसमें डेटाबेस के नाम से, यानी बेस के नाम से इसमें है। तो अगर हम इसको तुलनात्मक रूप से देखें तो ये फ्री है और ये परचेज करना पड़ता है। एमएस ऑफिस को हम लोग परचेज करते हैं, ये टैब आधारित है या मेनू बेस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर जो है वह अपने ही प्रोग्राम पर चलता है, अपने ही विंडो पर चलता है। अगर लिब्रे ऑफिस को यूज़ किया जाए तो मैक पर भी चलेगा, लिनक्स पर भी चलेगा, विंडो प्रोग्राम पर भी यह चलता है। आसानी से इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको मतलब ओपन करेंगे तो सारे के सारे प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम में, यानी एक ही साथ ओपन हो सकते हैं। यानी हम न्यू में जाकर राइटर को ओपन कर सकते हैं, इस कॉल को ओपन कर सकते हैं, इम्प्रेस को ओपन कर सकते हैं, बेस को ओपन कर सकते हैं। इन चारों में
दोनों चारों का कार्य सेम है। अगर हम वर्ड में कोई भी टाइपिंग कर रहे हैं तो हम राइटर में भी कर सकते हैं, एक्सेल में कोई फार्मूला लगा रहे हैं तो हम इसमें कल में भी लगा सकते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड बना रहे हैं, इम्प्रेस में भी हम लोग स्लाइड बना सकते हैं, एमएस एक्सेस में अगर हम लोग डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी रिलेशनल डेटाबेस या ऑपरेशनल डेटाबेस का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ये संक्षिप्त विवरण आपको दिया गया है। आगे मेरे वीडियो में एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज रहेगा, पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।